टीजी टी पी जी टी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास है, डे नंबर 15। टॉपिक चला है वेक्टर्स का, वीडियो नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करना है वेक्टर का। वीडियो नंबर फर्स्ट में जो पॉइंट्स हैं, सदिश एंड अदिश क्या होता है देखिएगा। पहले जो भौतिक राशियाँ होती हैं, यानी कि फिजिकल क्वान्टिटीज या फिजिकल, तो उसमें फिजिकल क्वान्टिटीज में जो होता है अदिश, अदिश राशि, जैसे हम बोलते हैं अदिश अदिश, और एक बोली आती है सदिश सदिश। सदिश को हम बोलते हैं वेक्टर, सदिश अथवा वेक्टर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। और अदिश या इसको स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सदिश और अदिश में। इसमें वेक्टर्स राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण एवं दिशा, दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत इसमें पड़ती है। यानी कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता पड़ती है, उनको सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर राशि क्या है, वेक्टर क्या है, जो सदिश राशियाँ हैं वे हैं जिन राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उनको सदिश राशि कहा जाता है। यानी कि दोज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। अब आ जाती है कि अदिश राशि में क्या होगा, स्केलर में, इसमें केवल केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओनली किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। अब इनमें जो है जो जो राशियाँ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि उनको डायरेक्शन सो होना जरूरी है। जैसे ए बी हमारा है, मैं दूसरा पॉइंट बना देता हूँ, तो ए बी को एट वी रिप्रेजेंट है, ए से बी जा रहा है, जब बी से ए आएगा तो वो हो जाएगा बी ए, यानी कि ए से बी की डायरेक्शन ए से बी की ओर थी, बी से ए में, तो ये डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाती है, तो ए बी इक्वल टू होगा माइनस बी ए, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए के बराबर होता है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट है, जैसे जनरली ए बी हम लिखते हैं, तो ए बी इक्वल टू लिखा जाता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, अगर वो ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि किसी ओ पॉइंट से चल रहा है, यानी ओ पॉइंट से ए एंड बी तक जाना है, जैसे कि मैं इसको अलग से शो कर सकता हूँ, ये ओ है ओ ए बी, आपको जाना है ए टू बी, ए टू बी का सीधा रास्ता है ए टू बी, आप गए ए ओ ओ बी, एक रास्ता हमको ये मिल गया ए टू बी ए बी। अब इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए टू बी जाने के लिए एक तो आप ए टू बी गए, आपने कहा ए बी, दूसरा रास्ता हमको मिला ए ओ ए ओ, ओके ए से हो गए प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। परंतु हमारे जो अकॉर्डिंग से जो डायरेक्शन है ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, अगर हम ए ओ को ए ओ यानी ए से ओ जा रहा है, अगर हम ओ टू ए लें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ टू ए जाने में डायरेक्शन ही अपोजिट आ जाएगी, विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, तो ए ओ इक्वल टू होगा माइनस का ओ ए, ए ओ इक्वल टू क्या होगा माइनस का ओ ए, तो माइनस ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। यानी ए बी इक्वल टू हुआ ओ बी माइनस ओ ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, तो ए टू बी, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटिस करते हैं ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ये डिपेंडिंग करता है डायरेक्शन पर, डायरेक्शन क्या है, किस तरह से इसको लिया जाता है, तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो किस तरह से वेक्टर्स में एक दो पॉइंट को लिखना है। अब आता है कि एकल सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर्स इसको हिंदी में कहते हैं एकल सदिश। भाई हिंदी के भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश वालों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों की
प्रॉब्लम का सुधार यही है कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बता दूँ, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि इंग्लिश वालों को लगेगा ये हिंदी में क्यों कराते हैं और हिंदी वालों को लगता है इंग्लिश में क्यों कराते हैं, तो वो सब समस्या है। ठीक है, तो ये होगा यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। जो मोड ऑफ वेक्टर ए की क्वांटिटीज होती है वो अंडर रूट ए का स्क्वायर के बराबर, यानी ए के बराबर होती है। मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए। अब ए के स्क्वायर का मीन्स है कि इसके अगर वेक्टर ए में एलिमेंट है, अगर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के रहे होते, तो अगर हम मोड ऑफ वेक्टर ए लेते तो ये होता अंडर रूट आई के कोफिशेंट का स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशेंट का स्क्वायर। तो ये ए के स्क्वायर होता है, जिसको हम ए जनरली कह देते हैं। ठीक है ना, तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अभी से थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते रहें। यानी वेक्टर ए बाई ए इसको कहा जाता है, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। ऐसे ही यानी कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए के इक्वल होता है। तो आगे जैसे लॉन्ग वेक्टर्स होंगे वहाँ पे हम मॉडुलस ए निकालेंगे। ऐसी बी कैप इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन बी लिख सकते हैं, या मैग्ना वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर बी, एक ही बात हुआ। एंड सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी बाई सी, या वेक्टर सी बाई मोड ऑफ वेक्टर सी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए कैप बी कैप सी कैप, इसको ए कैप कहते हैं। ए कैप, ये ए कैप बी कैप सी कैप, अगर एकल सदिश है, यूनिट वेक्टर्स हैं, सब यूनिट वेक्टर हैं, फोर यूनिट वेक्टर के लिए, फोर यूनिट वेक्टर अगर एकल सदिश है तो ए कैप इक्वल टू वन होता है, एंड बी कैप भी वन, एंड सी कैप भी वन। यूनिट क्वांटिटीज के लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए ए कैप वन, वी कैप भी वन, एंड सी कैप भी वन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का जोड़ना, सदिशों का योग। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर, तो दो वेक्टर्स अगर हमको ऐड करने हैं, सपोज एक मान लिया ये वेक्टर ए है और ये मान लिया वेक्टर बी है, तो ये ए बी सी इस तरह से लगा हुआ है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर ए तो ये हो जाएगा हमारा ए सी इस डायरेक्शन में, यानी ए सी इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ए टू सी, ए सी इक्वल टू ये। ऐसे भी हो सकता है कि भाई दो वेक्टर इस तरह से पड़े हों, ए बी एंड सी, यहाँ पे वेक्टर ए लगा हो, यहाँ पे वेक्टर बी काम कर रहा हो, तो वही ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टरों का जोड़ना, इसको ए मतलब सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, अपोजिट में अगर होते तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्टिंग या घटाना हो जाता, आप सेम सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर डायरेक्शन ये हो जाती घटाने में, इस तरह से हो जाता ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, अभी तो ये हमारा अभी तो ये जोड़ना ही कहेंगे, यूं और यूं, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, ये जोड़ने में आ रहा है। अगर डायरेक्शन इधर हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो दो वेक्टर को घटाने में उस पॉइंट को हम लिख देंगे, तो अभी जोड़ने में यही रहने दिया जाए। ठीक है, अब आ रहा है दो वेक्टरों का क्या लिखते हैं, दो वेक्टरों का घटाना, दो वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पाँच नंबर, दो वेक्टरों का घटाना, घटाना यानी कि सब ट्रैक्टिंग ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का घटाना, यानी दो वेक्टर किस प्रकार से घटाए जा सकते हैं। यानी कि एक वेक्टर ये है, सपोज इसके डायरेक्शन इधर है और एक वेक्टर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए प्लस माइनस बी, डायरेक्शन बदल गई, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मान लीजिएगा इस तरह से लगे हुए हैं ए बी एंड सी पर, इस पर वेक्टर ए और इस पर वेक्टर बी, ठीक है,
तो इस पे यानी कि ए सी इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम दो वेक्टर को घटाना